कंप्लीट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, आप इसे कॉम्प्लेक्स निगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, अर्थात सेंटेंस को यहां से ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहिए या कॉम्प्लेक्स निगेटिव सेंटेंस कहिए। इसी तरह कल की जो वीडियो में आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो आप देख चुके हो, यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है तो नेगेटिव में कुछ नहीं है। नेगेटिव में क्या करना है आपको, प्रिंसिपल क्लास का नेगेटिव बनाना है। जब भी बनेगा प्रिंसिपल क्लास का नेगेटिव बनेगा, चाहे कंजक्शन बिफोर हो, आफ्टर हो, दैट हो या व्हेन। परंतु एक अपवाद यह है कि कंजक्शन दैट के साथ प्रिंसिपल क्लास का भी बन सकता है, सबऑर्डिनेट क्लास का भी बन सकता है, या दोनों का बन सकता है, दोनों का बन सकता है। तो सीधा मैं एग्जांपल देकर के आपको समझा देता हूं। तो क्या याद करना है, नेगेटिव सेंटेंस किसका बनेगा, प्रिंसिपल क्लास का बनेगा। तो आइए एग्जांपल पर, समय आपको बर्बाद नहीं करना है, चले ठीक है। आप देखिए सीधी सी पहचान है कि नहीं कहां है, नहीं प्रिंसिपल क्लास में बैठा है। तीन कंजक्शन में तो नो डाउट, किसमें, बिफोर के साथ, आफ्टर के साथ और व्हेन के साथ। लेकिन दैट कंजक्शन अगर प्रयुक्त होता है तो वहां प्रिंसिपल क्लास में भी हो सकता है नहीं, और सबऑर्डिनेट क्लास में हो सकता है, हो सकता है कि दोनों में हो, ठीक ना। तो इसको हम एग्जांपल दे करके समझा देंगे आपको। तो यहां बिफोर है तो सीधा सीधा जब यहां नहीं बैठा है तो इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल क्लास होगा, सीधा पहचान, ठीक ना। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अगर आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो एक तरीका बता दे रहा हूं, नहीं को ढक दीजिए, नहीं को ढक दीजिए और अफर्मेटिव सेंटेंस वाला नियम लागू करिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या नियम है, यदि सेंटेंस में पूर्व या पहले शब्द आता है तो पहले समाप्त होने वाला कार्य क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लास। तो आप नहीं को अगर ढक देते हो तो देखो, नहीं को ढक कर देख लो, छात्रों के विद्यालय पहुंचने, यहां पर अनुसार लगा दीजिए, अनुनासी, अनुसार नहीं अनुनासी, ठीक ना। तो छात्रों के विद्यालय पहुंचने के पूर्व घंटी बज चुकी थी, ध्यान देना, तो घंटी बज चुकी थी या काम पहले हुआ, सीधा सीधा प्रिंसिपल क्लास, और उधर का सबऑर्डिनेट क्लास। अब नहीं लगाने के बाद इसको छोड़ करके अगर दिमाग लगाओगे कि घंटी नहीं बज चुकी थी तब तो छात्र पहले पहुंच गया, तब तो उल्टा कर दो, उल्टा। तो ध्यान देना है कि अगर पूर्व या पहले वाला नियम से पहचानना चाहते हो तो नहीं को ढक दो, नहीं को ढकने के बाद आप देख लो कि कार्य कौन पहले हो रहा है, तो कार्य हमारा घंटी का बजना पहले हो रहा है, घंटी का बजना पहले हो रहा है। तो ये हो गया पीसी, इस
इसको ढक करके सीधा सीधा, और खोल करके अगर पूर्व पहले वाला नियम लगाओगे तब तो भैया ये पहले पहुंच गया ये बाद में बजी घंटी, तो उल्टा हो जाएगा। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। तो पूर्व या पहले वाला यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम अगर लागू करना है तो इसे ढक कर लागू करेंगे, अन्यथा सीधा सीधा नहीं को खोजेंगे कि कहाँ है। तो नहीं जिस पोर्शन में रहेगा यानी जिस क्लास में रहेगा वह पीसी होगा निसंदेह। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एससी लिख लोगे। और अनुवाद में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब पूर्व आएगा तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और इसका जो है पास्ट इंडिफिनिट में होगा, और इसका अनुवाद पहले इसका अनुवाद बाद में। यानी कंप्लेक्स सेंटेंस का जो पहला स्ट्रक्चर दिया था कंप्लेक्स सेंटेंस वन लिखा था, ठीक है ना, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप इसका प्रयोग कर दोगे। तो चलते हैं, घंटी नहीं बज चुकी थी, घंटी नहीं बज चुकी थी, ध्यान दो। The bell had not ring rang rung, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रंग हो गया। उसके बाद यहां से आप सबॉर्डिनेट क्लास स्टार्ट करेंगे, बिफोर द स्टूडेंट, ठीक ना। अब पहुंचना स्टूडेंट पास्ट इंडिफिनिट में, रीच्ड, ध्यान दीजिएगा रीच्ड। अब रीच्ड द स्टेशन तो होगा लेकिन रीच्ड द स्कूल नहीं होगा। पर्पस पूरा जब होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो आर्टिकल नहीं लगता है, तो रीच्ड स्कूल, रीच्ड इस, ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। चलिए रीच स्कूल, तो इसको लिख लीजिए आप, ओके। अब जो है हम क्या करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं, हाँ आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो आफ्टर के प्रयोग में कैसे आप करोगे, ये देखो सेम सेंटेंस में अगर हम आफ्टर का प्रयोग करते ध्यान देना तो क्या होने वाला है। सेम सेंटेंस इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, और इसको यहां से मिटा देते हैं, लेकिन सेम सेंटेंस में यहां हम बाद लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बाद शब्द का प्रयोग हम कर देते हैं। चलिए हमने बात कर दिया, लो बात कर दिया, छात्रों के विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी, घंटी अब सेंटेंस गलत हो गया ना, घंटी नहीं बज चुकी थी, तो इस तरह का वाक्य तो बनाएंगे नहीं। यही सिखाने के लिए मैं बताया आपको कि इसमें तो बात लगा नहीं पाओगे, तो घंटी नहीं बजी ऐसा कैसा है विद्यालय, घंटी नहीं बजी, घंटी तो बजेगी प्रेयर के लिए, तो इस तरह का वाक्य नहीं बन सकता। तो इसको अगर आप कह चाहे कि बाद से बनाना तो नहीं बनेगा, ठीक ना, क्या कैसे बनेगा, घंटी बजने के बाद छात्र पहुंचे तो ये भी गलत थोड़ा सा सेंस आ रहा है। विद्यालय जनरली स्टूडेंट क्या पहले पहुंचता है, पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए आप बना सकते हो, तो वाक्य नहीं बन सकता, तो बेफोर के साथ ही बनेगा। अब चलिए इसमें हम दूसरा वाक्य देते हैं आपको आफ्टर के साथ, ठीक है ना, उसके घर छोड़ने के बाद, उसके घर छोड़ने के बाद उसकी मां ने
खाना नहीं खाया। अब चलिए, तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस वाला पहचान लेते हैं तो भी पीसी मिल जाएगा, एससी मिल जाएगा, और अगर आप सीधा नहीं को खोजते हो तभी मिल जाएगा। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। देखो, सीधा हम नहीं वाला पोर्शन को ले लेते हैं, तो नहीं वाला पोर्शन को ले लिया और यहां पीसी मिल गया, निसंदेह निसंकोच कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहां पर एससी मिल गया। अब चलो अफर्मेटिव के सेंटेंस की पहचान यानी बाद वाला के अनुसार हम क्लास पहचानेंगे। नहीं को ढक दिया, नहीं को ढक दिया। चलो, उसके घर छोड़ने के बाद उसकी माँ ने खाना खाया, खाना खाया। तो अब देखो, जब बाद आ रहा है तो बाद में कौन काम हो रहा है, बाद में कौन काम हो रहा है, खाना खाना, तो पीसी और उसका घर छोड़ना पहले। तो घर छोड़ना पहले तो क्या हो जाएगा, एससी। इसका अनुवाद किसमें करते हो, पास्ट इंडिफिनिट में, इसका किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो अफर्मेटिव वाला वीडियो देख लेना। तो इसका अनुवाद पहले जाएगा निशब्द वन में और इसका अनुवाद बाद में। तो हम क्या करते हैं भैया, हिज मदर पास्ट इंडिफिनिट में, हिज मदर डिड नॉट, ठीक ना, टेक फूड आफ्टर के बाद एससी का अनुवाद किसमें करोगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हायर लेफ्ट होम, ठीक, लीव का थर्ड वर्ब लेफ्ट होम बन गया भैया, देख लीजिए। ठीक, तो यहां पर आप इंग्लिश में रिमार्क कर सकते हो, ये देखो रिमार्क कर दिया, ऊपर वाले में नहीं किया था, कर लीजिएगा बिफोर के पहले, ठीक ना, हेड वाले पोर्शन में निशी इतना समझदार हो। और यहां से कह दी, कहां से यहां तक एससी कर लिया। अब हम सीधा कंजक्शन व्हेन पर आ जाते हैं, तब दैट बताते हैं, ठीक ना, तब दैट बताते हैं। चलो, मुझसे बात नहीं किया, बात नहीं किया। अब इसमें तो सिंपल पहचान है, क्या भैया सिंपल पहचान है कि ये जब क्या कंजक्शन है, तो जब से जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो एससी होता है, और तो से जो स्टार्ट होगा वह पीसी होगा, सीधा सीधा पहचान है। ठीक, और अफर्मेटिव वाला देख लेना, वहां मैं स्ट्रक्चर बना करके दिखाया हूं, तो उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, हर जगह स्ट्रक्चर नहीं देता हूं, ठीक ना, आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। अगर मेरे स्टूडेंट हो चुके हों या होना चाहते हो, तो नहीं सीक्वेंस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, वीडियो को क्लिक मत करिएगा, अगर क्लिक किया हो तो बंद कर दीजिएगा सीधा सीधा, ठीक ना, क्योंकि भाषा क्या है, एक विज्ञान होता है, भाषा विज्ञान बोला जाता है, सिस्टमेटिक नॉलेज इसमें आप प्राप्त करते हैं, बिना सिस्टम का काम नहीं चलने वाला। तो अब क्या करो, इस पीसी का अनुवाद किसमें होगा, इस पीसी का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में होगा और एससी का पास्ट इंडिफिनिट में।
तो कौन सा स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर टू में जा रहा है, स्ट्रक्चर टू में, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ से वेंट से स्टार्ट है, तो इंग्लिश भी वेंट से स्टार्ट कर दो सीधा सीधा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पर वेन, देखो जब मैं उससे मिला, वेन आई मेट हिम, ठीक ठीक, और बात नहीं किया मैस्कुलिन जेंडर, इसलिए यहां पर हिम लगा दिया, तो वेन आई मेट हिम कमा हो जाएगा है? अब कमा से तो का भाव पूर्ण हो जाएगा, तो कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद इस पोर्शन को आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो इसमें चुका चुकी नहीं आएगा, ऐसे वाक्यों में चुका चुकी नहीं आता, जब मैं उससे मिला तो वह मुझसे बात नहीं कर चुका था, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, चुका चुकी नहीं आता, फिर भी क्या है पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होगा, तो व्हेन आई मेट हिम ही है, ही हैड नॉट, ठीक ना जी, क्या टॉक टू मी, हो गया टॉक टू मी, ओके। तो क्या जी वैन वाला, अब इसको आप स्ट्रक्चर वर्ब में ले जा सकते हो, तो स्ट्रक्चर वर्ब में कैसे ले जा सकते हो, इसको पहले लिखो इसको बाद में, क्या करते हैं, वह मुझसे बात नहीं किया, वह मुझसे बात नहीं किया जब मैं उससे मिला, लिखो या मिला था लिखो, यहां पर देखो मैं जब मैं उससे मिला या मिला था, जब मैं उससे मिला या मिला था, ठीक ना, एक ही चीज है, तो उस इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यहाँ ठीक लगेगा। देखो वो मुझसे बात नहीं किया जब मैं उससे मिला या मिला था, सीधा सीधा मिला था। तो अब देखिए अब यहां पर अब क्या करो भाई, इसको कट पेस्ट कर दिए, इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो इंग्लिश में वही काम कर लो ना, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो चलो क्या करते हैं, ही हैड नॉट टॉक टू मी, टॉक ऐसी क्रिया है जिसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो टॉक टू मी। अब यहां पर व्हेन, जैसे इसको इधर करोगे व्हेन का डब्ल्यू इस्तेमाल हो जाएगा, तो डब्ल्यू को इस्तेमाल कर, डब्ल्यू नहीं होता जी डब्ल्यू, तो व्हेन आई मेट हिम, ये देखो हो गया ना। तो इसको अब मैं मिटाता हूं, देख लो आप, ले लो स्क्रीन शॉट ले लो, चलो अब बचता है दैट, अब दैट बचता है, तो हमने क्या बताया कि समान रूल है कि पीसी का ही नेगेटिव पड़ेगा, अब दैट के साथ पीसी का भी बन सकता है, या पीसी या एससी या बोथ, दोनों दोनों का बन सकता है, दोनों का बन सकता है। तो चलते हैं हम एग्जांपल देते हैं, तो अब देखिए वह मुझसे नहीं
बताया कि वह उसे नहीं बताया कि वह परीक्षा में दे रहा हूं। देखो बात कब किया, वह उससे बताया इसमें इन पास्ट टाइम पास्ट टाइम में बताया, ध्यान देना, यानी कल परसों बताया, पास्ट टाइम में बताया। तो जब बताया उसके संदर्भ में यह लिखा गया, उस समय तो उसके संदर्भ में है, लेकिन आज के डेट में स्पीकर इसमें स्टेटमेंट दे रहा है, तो आज के टाइम के संदर्भ में वो पास्ट टाइम हुआ कि नहीं बोल रहे, यस समझ गया कि नहीं। जब बताया वो परीक्षा में, ए भैया मतलब वो अगर बताना चाहता नहीं बताना दोनों चीजें, तो बताया पास्ट टाइम के संदर्भ में इसका भी टाइम गया है, होते हुए भी पास्ट टाइम क्या है, ये इन पास्ट टाइम। ऐसा क्यों होता है, ये दैट के साथ जो कंप्लेक्स सेंटेंस बनेगा यह इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, इन डायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन भैया, तो इनडायरेक्ट नरेशन है, इसका आपको ध्यान देना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में यह दिया गया है, तो इनडायरेक्ट नरेशन वाला रूल लागू होता है। तो यहाँ पर है भले ही है, लेकिन बात हुई है पास्ट टाइम में, तो हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि बात पास्ट टाइम में की गई, तो पास्ट टाइम में करने के कारण आप हैज का प्रयोग नहीं करोगे, हैड का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो सीधा सीधा पहचान है कि की के पहले वाला जो पोर्शन है अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूं पीसी है, और इसके बाद वाला ये एससी है, सीधा पहचान। तो की के पहले कंजक्शन के पहले पीसी होता ही होता है, और कंजक्शन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज एससी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह उससे नहीं बताया, अब नहीं कहाँ बैठा है, पीसी में, तो यहाँ का हम क्या करेंगे, ही डिड नॉट टेल का मी, ये हो गया, तो ये पीसी बन गया, ही डिड नॉट टेल मी। अब कंजक्शन दैट का हम प्रयोग कर देते हैं, कर दिया, वह परीक्षा में असफल हो गया है का ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये देखिए डिड है और कब की बात है, पास्ट टाइम की, तो यहां पर ही, उसके बाद He had परीक्षा में असफल हो गया है, तो he had, ठीक, और उसके बाद फेल हो जाएगा, और फेल इन the एग्जाम हो जाएगा। तो आप एग्जाम लिखो या एग्जामिनेशन लिखो, दोनों सही है, लेकिन फेल के बाद इन जरूर लगेगा, पास के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर पास के जगह पर सक्सीड शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, क्रिया सक्सीड का मतलब सफल होना, तो भी प्रीपोजिशन इन लगेगा। तो फेल के बाद इन, सक्सीड के बाद इन, और पास के बाद नो प्रीपोजिशन,
ये बहुत आता है परीक्षा में। तो हम अब क्या करते हैं, मैं क्या बोला था कि दोनों पर्सन का बन सकता है ना निगेटिव। अब इसमें का नहीं हटा करके हम यहां लगा देते हैं, तो सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं। यानी देखिए, वह पहले तो हम, हाँ ठीक है, उसी तरह बनाते हैं, दोनों में डाल देते हैं। पहले तो हम दोनों में नहीं डालकर दिखा देते हैं, वह मुझसे नहीं बताया कि वह, ध्यान दीजिएगा, अब हम भाव सेम रखना चाहते हैं, सेम, तो इसका उल्टा असफल हो जाता का पांचवा और डबल निगेटिव वर्ड, मतलब पास करा करके और नॉट लगा दीजिए तो फिर यहीं पर आ जाएंगे सीधा से। यानी इसका एंटोनिम लिख दीजिए, असफल होने का एंटोनिम क्या, सफल होना, ठीक, उल्टा हो गया और नॉट लगा दीजिए तो फिर सीधा हो जाएगा। तो सेम सेंस मिलेगा, वह मुझसे नहीं बताया कि वह परीक्षा पास नहीं किया है। देखिए, तो सेंस में कोई अंतर आया, सेंस में कोई अंतर नहीं आया, भाव हमारा ज्यों का त्यों है। यानी परीक्षा करी, वो परीक्षा में असफल हो गया है। यहां पे देखिए, उसने नहीं बताया कि परीक्षा में असफल हो गया है, उसने मुझसे नहीं बताया कि वो परीक्षा पास नहीं किया, तो भाव तो ज्यों का त्यों है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब यहां पर यह बात करने वाली चीज है कि पीसी, ठीक है ना, यहां पर आपका पीसी है, पढ़ चुके हैं, और यहां से यहां तक एससी है, देख लीजिए एससी है, तो दोनों पोर्शन में नहीं आ गया, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं, ओके। अब क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, He did not tell me that he, वो परीक्षा पास नहीं किया है, तो he had not, हम यहां पर पास, अब पास के बाद परीक्षा, ठीक ना, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, जब परीक्षा में पास नहीं हुआ है सेंटेंस से, तब भी ट्रांसलेशन यही होगा, परीक्षा पास नहीं किया तब भी यही ट्रांसलेशन होगा। तो हैड नॉट पास दी एग्जाम, क्या हो जाएगा, दी एग्जाम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहां वाला नहीं हम हटा देते हैं और यहां वाला छोड़ देते हैं, तो एक सेंटेंस ये मिलेगा, फिर दोनों में यूज करूंगा, फिर इसको हटा करके और कहीं, यानी इसमें से सेंटेंस दूसरा भी बन सकता है, भाव को सेम रखना चाहते हैं, इसमें भाव नहीं सेम होगा क्योंकि एक पोर्शन में निगेटिव आ रहा है, तो हम चाहे तो इसका भी बना सकते हैं। तो इसका अगर हम बनाते हैं, देखिए इसका हम बना रहे, इसका हम बना रहे, वह उससे बताया था कि, आप देखिए यहां पर आपको ये भाषा में क्या है, वह परीक्षा। अब देखिए, अगर हम इसका बनाना चाहते हैं, इस पोर्शन में नहीं लगाना चाहते, तो क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, वो मुझसे बताया है, बताया था या बताया, एक ही चीज है, बताया बताया था, वो मुझसे बताया था कि वो परीक्षा में असफल नहीं हुआ, बन तो गया, अर्थात पास हो गया। वो मुझसे बताया था कि वो परीक्षा में असफल
नहीं हुआ है बल्कि पास हो गया, ठीक ना। तो परीक्षा में असफल नहीं हुआ है। आप यहां पर देखिए, ठीक ना, अलग सेंटेंस हो गया, सेंस बदल गया। यहां क्या क्या है, वह मुझसे नहीं बताया कि मैं असफल हो गया, तो यहां फेल हो रहा है, यहां पास हो रहा है, तो न्यू सेंटेंस बनेगा, ठीक। अगर इस पोर्शन में आप नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं तो सीधा सीधा तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा भैया, वह मुझे बताया था जो परीक्षा में असफल नहीं है, हुआ है लेकिन नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक ना। तो इनडायरेक्ट नरेशन में हैज की जगह हैड होगा क्योंकि ये पास्ट टाइम में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, उसके बाद ही हैड, ठीक ना, ही हैड not failed in the exam, ये देखिए, he told me that he had not failed in the exam, हो गया। अब हम मैं क्या करता हूं, इसका दिखाता हूं, इसका, ठीक। तो इसमें क्या करिए, यहां का नहीं हटा दीजिए, से बताया था, एक मिनट, वह मुझसे बताया था कि वह परीक्षा पास नहीं किया। सीधा सीधा इसको हम माइनस कर दिए, वह परीक्षा पास नहीं किया है, ठीक है, वह परीक्षा पास नहीं किया है। अब आप बताइए, वैसे किस मिला, अरे परीक्षा पास नहीं किया, या नहीं बताया, या बता दिया, क्या फर्क पड़ा, ठीक ना। तो अब क्या है, He told me that he had, ठीक है, not passed the exam. तो हमारे ख्याल से क्लास अच्छा लगा होगा, तो क्या कहते हैं वीडियो मेकर, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं वीडियो मैं करता हूँ, शुरू में मुझे नहीं मालूम था, हमारे छात्रों ने कहा सर ऐसा बोला जाता है, तो कुछ वीडियोस में मैंने बोला था, लेकिन मुझे लगा कि यार ये बहुत ख़राब काम है, क्या लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब किसका काम है, वीडियो मेकर का काम है, टीचर का काम नहीं है। पढ़ाना मेरा धर्म है, फर्ज है, आप पढ़ो या न पढ़ो, लाइक करो या न करो, कमेंट करो या ना करो, या जो काम मैं कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, और तब तक जब तक यूट्यूब बना रहेगा, तो धीरे धीरे पूरा कोर्स मैं दे दूँगा, वह कोर्स निःशुल्क आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप पढ़ेंगे, आगे वाली पीढ़ी पढ़ेगी, यह सोचकर मैं काम कर रहा हूँ। तो आप समझ जाइए, मेरी भावनाओं को समझिए, हैं, और भावनाओं का सम्मान करना ना करना ये आपके ऊपर है। कुछ लोग तो भाई अलग प्रकृति की होते हैं, कुछ भी हो नहीं करना है भाई, नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।